नेता के विषय में मैं बता रहा हूं। यह नेता वह है जो एमसीडी का एक घाघ नेता जिसको कहा जाता है, पुराने समय से एमसीडी को जानना, एमसीडी को पहचानना, और अभी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर जो टॉप के 10 नेता होते हैं उनमें से एक है। अरविंद केजरीवाल जी इस नेता के एडवाइस के बिना एमसीडी के चुनाव को लेकर और एमसीडी के रणनीतियों को लेकर कोई फैसला नहीं लेते। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी को लेकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें इस नेता की सहमति, सहभागिता, पार्टिसिपेशन जरूर होता है। अभी जो एमसीडी के टिकट बटे हैं उस टिकट बटने की प्रक्रिया में इस नेता का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस ऑफिसर का नाम मैं यहां गुप्त रख रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं। वो ऑफिसर सीताराम बाजार वार्ड के हैं, सिटी एसपी जोन के हैं और उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें सहाद्रा साउथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भेज दिया गया है क्योंकि वो जेई थे, जूनियर इंजीनियर। आप सोचिए जेई से एक खोखा, एक पैसा, एक पेटी, ये आम आदमी का जो डॉन है ये मांग रहा था। स्क्रिप्ट लिखने वाला और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ही है। ये केजरीवाल जी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वॉट एवर वी आर गोइंग टू सी टूडे इन दिस स्टिंग ऑपरेशन। और नेता का नाम है मुकेश गोयल। मुकेश गोयल, मुकेश गोयल वर्तमान में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड हैं और अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर मुकेश गोयल जी को मध्य प्रदेश में प्रभारी के रूप में, हिंदुस्तान के बृहत्तम राज्य, इतने महत्वपूर्ण राज्य में प्रभारी के रूप में मुकेश गोयल जी को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है। जैसे क्या होगा, कुछ लोग समझते ही जाएगा,
तो ये बात टीचर ने मुझे बताया था, ये बात है समाचार होनी चाहिए ड्यूटी में एक्शन के थ्रू करके मैसेज भेज दिया, तो फिर ये बात मुझे बतानी चाहिए क्या बताइए। और बाद में ट्रांसफर भी हो जाता है। ये पहली बार मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर करप्शन सुना है, मतलब मिनिमम करप्ट प्राइस 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल, उससे कम का स्टैंडर्ड अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है।